दुश्मन वो सामने आ रहा है। ओ पिकू आज फिर भाग पड़ा पिकू भाई, आज फिर भाग पड़ा यार। भाई सामने से पिकू का दुश्मन आ गया। सुन मैं कहा थे जनू कंधे पे मैं अकेला ना थे, हमें तू कहे अकेला ना था। भाई मैं ये ले आया हूं गुलाल की थैली, तुम सोच नहीं सकते कि ये कितने रुपए की होगी। ओ चलो पटक गई हो। ओ होली पे सांप बुलाओगे भाई। भाई ये गन भी ले लिया है जिसे ऐसे चला देंगे। अरे भाई को भी दायक गुलाल देने के लिए आया गिफ्ट में। गाइस ये गुलाल लिया है उड़ाने के लिए। होली वाले में भी टाइम है, पुलिस पहले ही आ गई। गाइस जिसके ऊपर पहली साल खड़ू हुआ था ना। सो हे गाइस वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग, और आप देख रहे हैं सीएचपी के व्लॉग। गाइस आने वाली है होली, तो होली के लिए रंग लेने जाना है। आज ना ऐसे ऐसे रंग लेके आएंगे। मैंने पहले ही बताया तुमको कि होली हमारी इतनी धमाकेदार होती है, सब लोग देखते रह जाते हैं। अच्छा पहली वीडियो जिसने नहीं देखी ना होली की, वो अगर देख ली ना तो तुम्हारा होश उड़ जाएंगे भाई। इतना खतरनाक रिएक्शन था पापा का और सबका, और होली पे हमने कितने खतरनाक खतरनाक काम करे हैं वो सब तुम पहली वीडियो में देख लो। बता दियो हम क्या क्या काम करने वाले हैं आज। रंग लाने वाले हैं और होली पे क्या करेंगे? आतंक मचा देंगे। व्यू ने भी कह दिया कि आतंक भी मचा देंगे होली वाले दिन। पूरा गैंग हमारा एक जगह हो जाता है और फिर पूरे गांव में चक्कर मारते हैं। आज हम लाने वाले हैं रंग, फिर हम अपने गांव में ही घूमते हैं। अब ये क्या लगा दिया तूने, मैं टोपी पहना दी। मैं नेता हूँ ज्यादा ऐसे ना। तारी से सिर पता है थप्पड़ लगेगा। थप्पड़ की तैसा था गाई जी। ओए दहशत मान दहशत मान ले नहीं। तू मेरे से डरता कि नहीं? मेरी मर्जी। ओए कैमरा बंद मत कर। अबे साले भाई होली वाले दिन इसका भी हम कुछ और ही होलिया कर देंगे। दारू पिएगा होली पे? कौन है ये लोग? भाई जो लोग होली पे दारू पीते हैं ना, तो उनके लिए भाई मैं एक बात बता दूं, दारू पी लो पर लड़ाई मत करियो। दारू पी के लड़े बहुत ज्यादा लोग, तो इसलिए दारू पियो तो अपने घरों रहियो। दूसरी बात दारू ना ही पियो तो होली में ज्यादा मजा होगा। बात तो सही, गलत नहीं कह रहा मैं। तो ये कुकर पता लगे मैं सारी बात सही कहूँ। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। तू अंतरयामी है के? नहीं। जिस दिन तक तुम लोगों ने कमेंट करा कि एक ही जगह रखा करे चिड़ियाओं को, जब ये बच्चा दे रहा है तो हमने ना एक ही जगह रखा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं लाया है ने। और ये देख लो हालत क्या हो रही है नीचे, कितना छिलका इकट्ठा हो गया नीचे। और अंडों की हालत देखते हैं क्या हो। भाई अंडे तो इतने ही है यार, बड़े ही ना हो रहे ना छोटे हो रहे। मतलब कुछ निकट ही नहीं रहा, पता नहीं कब निकलेगा। फर्स्ट टाइम होने वाला है कि हमारे सामने अंडे में से बच्चे निकलेंगे। होली वाले दिन तुम्हारे साथ भी होली खेलेंगे, ऐसे पक्षियों के साथ खेलना नहीं चाहिए। हम तो सैमपुसा भुंडा नाला है, ये कहीं तक ना होंगे। बात तो सही है। अरे यार श्वेता की बब्बो यहाँ पड़ी, मेरी साड़ी तो क्या कर रही है। गैंग जो रंग लेने जाने वाला है वो सारा अभी स्कूल में गया हुआ है। स्कूल में से आते ही उनके साथ चलेंगे रंग लेने के लिए। रंग लेने के लिए रंग ले आ। जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है रंग लाने के लिए। इधर से पीकू भी आ गया, तोड़ लंगड़ाई। फोन दे दे जल्दी। फोन चारा के लट्ठी लगेगी लट्ठी। व्यू अगर व्यू को कोई छेड़ है ना तो उसके बाद भाई अपना सर मारने लगा उसका। दस और दस और दस अंडरटेकर की डाल लड़ा है। मारनी तो आगी, बोलना कब आवेगा। क्या बोला तूने? यो मम्मी पापा पापा बोल बाबा 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 बोल रहा पापा। अरे देवा मम्मी चाचा पापा वाह है तेरी। मम्मा तेरे सैंडल कहाँ है? बड़ा हरामी हो। बंदूक ले आऊं तेरी? हाँ। गाइस सामने से व्यू का गैंग आ रहा है, ये देख लो इनकी तो होली बन गई। अब ओए 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 क्या बात, होली का तू भी मजे लिए पूरे। मैं तो सीधा साधा, मैं तो भोला भाला जग से बेगाना। मार्केट में जाने से पहले खाना खाते हैं, आलू की सब्जी रोटी मट्ठा। रोटी भिगो के पतली करके यू भी खाओगा मैं भी खाऊंगा। खाओगा मजा आवे के भिगो के खावे? कितना मजा आवे। होली वाले में भी टाइम है, पुलिस पहले ही आ गई। या के लेना यार। अरे भाई को भी दायक गुलाल देने के लिए आया गिफ्ट में, तो मैंने ले लिया। और दद्दा भी दायक साहब को भेज दिया, तुमसे मिलवा नहीं पाया मैं, उसके लिए सॉरी। गाइस अभी पूरा गैंग रेडी हो गया है, बाइक ले लिया, पीछे ट्रॉली भी जोड़ ली। अब ये नहीं पता भाई ट्रॉली तो जोड़ ली, रंग कितना लेकर आओगे? 2500 रुपए ले रहे जेब में। बताओ गैंग रेडी लेकर आओगे? 3.5 लाख रुपए का रुपए ले रहा जेब में। भाई मैं तो फोन पे करूँ तो फालतू ले रहा है भेद खुला सारू का ले रहा तो चौके मैं दिखाना था ना पैसे किसके पास ज्यादा है। सारू की जेब में तो लिखट गए पैसे, भी थोड़ी सी बार पहले मीटिंग हुई थी सबकी जेब में 10 रुपए तो फालतू नहीं थे। गाय जोड़ी के दिन जरूरत तो है नहीं हूँ रंग की। देख लो फ्री का पाउडर उड़ागा हमारे इलाके में तो जरूरत ही नहीं है भाई रंग की। तो मिनी ट्रैक्टर ट्रॉली में जाने का प्लान कैंसिल हो गया। गाइस अभी जुगाड़ हो गया है, दो बाइक लेके चल रहे हैं। सामने समुंदर है, नाव लेनी पड़ेगी भाई यहाँ के लिए। तो यहाँ भी समुंदर बनने वाला, तो दलदल बन गई।
आज जब थोक की दुकान पे आए थे, रंग ले लिया है, दो कट्टे रंग लिए हैं 10-10 किलो के, और बाकी गुब्बारे वगैरह ले लिए हैं, पिचकारी वगैरह नहीं लिया अभी, पिचकारी सामने वाली दुकान पे जाके देखेंगे। अभी तो हमने आधा ही सामान लिया, गाइस ये गुलाल लिया है उड़ाने के लिए। आज अभी कट्टा यहाँ रख दिया है क्योंकि बाकी सामान भी देख के लाना है। ठीक है भाई, आज अभी और बहुत सारा सामान ले लिया है, सिलेंडर भी ले लिया भाई, जिसे ऐसे चला देंगे भाई, ये गन भी ले लिया है, तो अनार भी ले लिए हैं, बाकी ये सारा सामान तो मैं घर जाके दिखाऊंगा। और अभी एक स्पेशल सी चीज तो दिखाई दूं गाइस, जिसके ऊपर पहली साल खड़ू हुआ था ना, पप्पा ने गाड़ी दीदी गाड़ी सारी वही चीज ले लिया, फौजी की गन। अभी मजा आएगा ना भाई, हमने होली का जो सामान सारा खरीदा ना है भाई की दुकान पे खरीदा है। भाई की दुकान कहाँ है, कहाँ है, कहाँ को है दुकान? खतरी गड्डी आए, जहाँ मेडिकल स्टोर वगैरह है ना उसी के कोने पे लगा हुए। तो हमें तो भाई सस्ते में दे दिया माल इन्होंने, तुम भी देख लो, बात कर लियो आगे, सस्ते में ले लियो। ठीक है भाई, होली नहीं है बट फिर भी स्टार्ट कर दी दुकान वालों ने होली। नहीं हुआ भाई, हम पहले लेकर निकल के सामान इनके पास थे। एक पूरा कट्टा तो हमने इस बाइक पे ले लिया, और दूसरा कट्टा अब हट जाओ भाई दुकान, अरे रिक्शा वाले हट जाओ, हमारा कट्टा कहाँ है? होली पे सांप बुलाओगे भाई, ट्राई करेंगे सब बुलाने की होली पे। आज अगर गिर गए ना तो ये मान लियो होली पहले दिन ही बन जाएगी। तेरे पे भरोसा कर रहा मैं, भरोसा तोड़ना दिया मेरा, भरोसे के लायक है यार, वे ना गिर जा, बच गए तुम भी। टूटे बंदे रवे मित्रा की गे, जिंदगी ते मौत के बिचाले खेलूंगे। फाइनली गाइस घर पहुंच गए हैं, और मैं तो पूरे रास्ते ये बजाते हुआ आया। व्यू अनबॉक्सिंग करने वाले हैं भाई, क्या क्या लेके आए हैं, कम से कम कितने लाख का सामान होगा? दो लाख का भाई, ये क्लिकबेट हो जाएगा, 2 लाख का तो होगा नहीं। तेरे लिए भाई अलग अलग चीज आगी, क्या क्या देख के तू हैरान हो जाएगा। कौन खेल रहा? गैंग खेल रहा पूरा, कोई गैंग पैंग नहीं है भाई। जब भी पिकू का रिएक्शन देखते हैं, मैं देखता हूँ कि पिकू को बस में कर दूंगा क्या। ये क्या बकवास कर रहा है, आ जा पिकू बस में हो जा मेरे। व्यू मेरे बस में हो जा भाई, सांप तो बस में हुए नहीं, बंदर हो गए बस में भाई, बंदर ही गलत बस में कर दिया, मेरे तो क्वाड पॉड सारे तोड़ दिए उन्होंने। गाइस अभी घर वालों का रिएक्शन देखे हैं, क्योंकि सारे अनबॉक्स करने वाले हैं, रंग क्या क्या लेके आया हूँ मैं। चलो गाइस अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले तो मैं ले आया हूँ फौजी वाली गन, जो कि व्यू के काम आने वाली है, पहली बार तो व्यू ने छुटाई नहीं थी, मैं व्यू गोली चला के बक्से में बंद कर दिया अपने पापा को। गाइस मम्मी कह रही है पापा को बक्से में बंद कर देंगे होली वाले दिन, ऐसे तो बक्से में सांस आ जाएगा। नहीं फौजी की गन छुटाने वाला है व्यू, वैसे तो भाई ये बदमाशी वाले काम करता है सारे, आज मैंने इसे फौजी बना दिया। पिचकारी बना देंगे, देसी पिचकारी बनाओगे बोतल तय। आज इसके बाद निकलने वाले हैं भाई, ये हाथ में लेके छुटेगा भाई, ये तो खाली है। ओए रे रे गाइस अभी इसे भी टेस्ट करते हैं, किसको सुनाऊं, कोशिश कर रहा है रंग पकड़ने की। ओ भाई पिकू ने अटैक कर दिया इसके ऊपर, ये देख लो पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, हाथ पे अटैक कर दिया होता, इसमें तो 3 छेद बन गए, 3 साइड से निकल रहा है। तो पटका गई तो भाई घना सारा निकट रहा माल। व्यू मैं तेरे लिए बंदूक भी लाया एक, ये देख लो भाई व्यू का पस्ता लेकर आया। व्यू घायल हो गया भाई, लेट गोल लीना सर करा। और गाइस सबसे स्पेशल तो भाई मैं ये लेके आया हूँ ये। और गाइस ये लाया हूँ भाई एक स्पेशल सी चीज, भरी बाल्टी में गिर दिया ना तो पूरा भयंकर रिएक्शन होने वाला है, उस रिएक्शन को देखने के लिए तुम्हें अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। अच्छा ये तो भाई मैं बहुत ज्यादा स्पेशल चीज लाया हूँ जो मेरी मुट्ठी में है, व्यू को ना पूरा रंगीन बना देंगे। खतरनाक अटैक कर देगा पिकू ने आज मेरी तरफ, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था पिकू अटैक कर देगा। भाई ये बात देखी है मैंने भाई, नोट करी है, जब भी इसकी तरफ को अगर बंदूक चला देना तुरंत अटैक कर दे भाई सीधा। गाइस अब नंबर आ गया है भाई बड़े बस्ते का खुलने का, ये भाई मैं बंदूक लेकर आया हूँ, ये बंदूक भी ऐसे चलेगी। गाइस ये स्प्रे लेकर आया भाई ऐसे चलेंगे। हाँ भाई देखो क्या करते हैं भाई, मैं ये लाया हूँ गुलाल की थैली, तुम सोच नहीं सकते कि ये कितने रुपए की होगी, ओनली 6 रुपए की, 6 रुपए की।
गाइस ये देख लो भाई कट्टा भी लाया हूं 10 किलो का इस गुलाल को उड़ाने वाले हैं। चलो गाइस बाकी सामान तुम्हें कल दिखाएंगे, आज नहीं दिखाएंगे, सारा आज ही दिखा देंगे। बचेगा क्या फिर? तागदा फायर का संजय दत्त है तू। गाइस अभी पापा कदकू आ जगह जीप तुम कह दोगे। अच्छा बोरी है खड़की नू कह रहे पापा कंधे पे गिर के लिए आइए। मैं कहा था जिन्हू कंधे पे पिकू करता भाग गया यार मेरे पीछे पीछे, पता नहीं मेरे पीछे आया पापा के पीछे आया वो जा रहा। पापा भी व्यू भी पिकू भी तीनों एक साथ चल दे दुकान पे। पिको देख रहा बस आ नहीं रहा व्यू तो आ रही। गाइस पिकू भाग का आ गया मेरी तरफ को भाई से मेरे साथ ही जाना। ओए बॉय स्पीड देख लो कितनी भयंकर है। ओए 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 पिकू का दोस्त आ गया तुरंत ही। पापा एक बात बताओ उनकी मोटरसाइकिल आवेगी जी भी तो लम्बा में है। गाइस पापा खड़े सामने गाड़ी दे लग रहे बूंदी बूंदी। एक बात बताओ यार जिसकी ट्रोली में लेना आया भी आए नहीं भी आगे 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 शुक्र है भाई पापा के सामने आगे वरना भाई इतनी भयंकर भयंकर गाड़ी पीने को मिली तुम सोच ना सकते। तुम किसी ने ना दी हो गया। चलो पापा के साथ पापा तो रोकने के भी नहीं सीधी फाइट हो जाएगी इसके साथ। पापा पिकू को रोक लो। पिकू भी पूरी एक्शन मोड में है और इधर भाई ये भी पूरे एक्शन मोड में आ गया। लड़ाई हो जाएगी इनकी लड़ाई। यार पापा तो मान ही नहीं रहे भाई मेरी बात। भाई तू मान ले यार मेरी बात लड़ाई हो जाएगी सही में। भाई मुझे लग रहा घना गलत वाला सीन होने वाला। भाई पापा तो हमेशा खुला लेकर जावे उसे। मैं संभाल भी लूंगा लेकिन पापा संभाल नहीं सकते इसलिए भाई यहाँ खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अगर ये चला गया 110% है कि फाइट होनी पक्की है। 5 मिनट भी पूरी नहीं हुई पापा आ लिए पहले ही। क्योंकि भाई एक्शन मोड में खड़ा हो गया वो भाई। गाइस वो रास्ता बंद है ना उनका समुंदर बन रहा हमारे गांव में। ओए तू चल इधर तू इधर चल चल इधर। गाइस एक दुश्मन हो रहा पिकू का एक दुश्मन वो सामने आ रहा है। ओए पिकू आज फिर भाग पड़ा पिकू भाई आज फिर भाग पड़ा यार। ये क्या क्या यार बाबा दादी की लड़ाई हो रही मुनाका के ऊपर। पूरा कट्टा तमी खा लो खाओ इसी का तो है ये। अच्छा गाइस पिकू याद आ गया ट्रोली में बैठना क्योंकि हमारी मोटरसाइकिल चीज हो रही घने दिन हो ले ट्रोली का कोई काम ही नहीं पड़ा। अब पिकू ने ट्रोली देखी कोशिश कर रहा ट्रोली में बैठने की।